हेलो फ्रेंड, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है एनर्जी रिसोर्सेस। इस चैप्टर को हमने कर लिया था, आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और जो कि हमने करे हैं एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखते हैं। कुछ जगहों पर मैंने क्वेश्चन जो है डायरेक्टली लिख दिए ताकि आपको टाइम बचे आपका और आप कर पाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी कंजप्शन ऑफ द वर्ल्ड हैपन इन इंडिया। यानी बोला गया है वर्ल्ड में कितना परसेंट एनर्जी जो है इंडिया कंज्यूम करता है, तो इसका आंसर है 3%। मैंने इसका आंसर डायरेक्टली लिख दिया है, ऑप्शन में और भी बहुत सारे होंगे लेकिन मैंने इसका आंसर डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है ना, 3%। तो यानी कहने का मतलब क्या है, वर्ल्ड में इंडिया कितने परसेंट एनर्जी यूज करता है। ठीक है, तो 3% है। और अगर यूएसए पूछा जाए यूएसए कितना यूज करता है, तो उसका आंसर है 30%। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के मुकाबले में कितना ज्यादा यूज करता है यूएसए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोला गया है इंडिया हैज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको आंसर है यहां पर 16%। यानी अबाउट 16% जो है उसकी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है। यानी इंडिया में जितने भी लोग हैं वो वर्ल्ड में कितने हैं, 60%। ठीक है, और अगर यूएसए की बात की जाए तो आपको मैं बता दूं यूएसए के अंदर 6% पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड की। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में यूएसए की पॉपुलेशन हटा दी जाए तो कितनी परसेंट है, 6%। ठीक है, और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि 6% जो पीपल है वो 30% एनर्जी यूज कर लेते हैं पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो जहां पर जितना ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होगा उतना ही डेवलप कंट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट ड्राइव विद इन। देखिए जियोथर्मल एनर्जी है क्या, जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो अर्थ से बनती है, यानी अर्थ के सरफेस से। ठीक है, तो उसमें कौन सा सरफेस यूज होता है, अपर सरफेस या सब सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है बी, सब सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी आप ये कह सकते हो जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी होती है, यानी आप ये कह सकते हो बड़े बड़े जैसे अर्थ के अंदर क्या है, लावा वगैरह है। लावा जो है नीचे का जो अर्थ का वाटर है वो गर्म कर देता है और वो गर्म पानी जो है किसी स्प्रिंग वगैरह से बाहर निकलता है। ठीक है, यानी बड़े बड़े गोले जैसे छेद होते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं इनको। ठीक है, उनसे निकलता है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, विच आर कंसिडर्ड द जियोथर्मल एरियाज इन इंडिया। जियोथर्मल एरियाज कहां कहां पर है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दे दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है ए, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस एंड वेस्टर्न कोस्ट, एंड बी ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो मैं आपको बता दूं ए है इसका आंसर, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस एंड वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना अगर ऑप्शन में भी आ जाए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है पूगा वैली। ठीक है, पूगा वैली लद्दाख में है जहां पर जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड हाउ मेनी हॉट स्प्रिंग साइट That can be further search for tapping geothermal energy। जैसा कि मैंने आपको बताया geothermal energy क्या है, स्प्रिंग से रिलीज होती है। ठीक है ना, यानी गर्म पानी या स्टीम कहां से निकलती है, जो होते हैं उसके बड़े बड़े वो होते हैं स्प्रिंग। ठीक है, इनमें से भाप वगैरह निकलती है क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, यानी लावा वगैरह है, उससे जो है जो वाटर है वो गर्म हो जाता है। वो किसके फॉर्म में निकलता है, यानी स्प्रिंग के फॉर्म में। तो यहां पर बोला गया इंडिया में टोटल कितने स्प्रिंग जो है फाउंड किए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन इसका 350 है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे सकते हैं अलग अलग, तो इसका आंसर है 350, यानी 350 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी 350 तो है ही, यानी हॉट स्प्रिंग है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, इंडिया हैज एस्टिमेट ऑयल रिजर्व। इंडिया के पास टोटल ऑयल रिजर्व कितना है, यानी क्रूड ऑयल वगैरह को बोला गया यहां पर। तो मैं आपको बता दूं अबाउट 4.7 बिलियन बैरल। ठीक है, इतना जो है इंडिया के पास क्या है, ऑयल रिजर्व है, यानी इकट्ठा करके मतलब रख रखा है, रिजर्व है, बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल मान लीजिए कोई भी
पैनिक सिचुएशन में किया जा सकता है, जब मान लीजिए बाहर की तरफ जो है पेट्रोल वगैरह ना मिले, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इंडिया खुद से बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच ऑफ आवर टोटल एनर्जी नीड आर बीइंग मेट बाय नेचुरल गैस। देखिए इसका आंसर है अबाउट 7%, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, बोला गया है कितना नेचुरल गैस इंडिया में जो है यूज हो जाता है, तो याद रखना आपका आंसर है यहां पर अबाउट 7%, ठीक है, नहीं 7% जो है इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंडिया न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैव कैपेसिटी, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर उनके पास कितनी पावर है जनरेट करते हैं, तो आपको डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया है 5780 मेगावाट एनर्जी जो है रिलीज कर देता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं एक बार ही। बोला गया द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू बी 8 मिलियन। बोला गया है जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी पॉपुलेशन 8 मिलियन हो जाएगी, यानी कब, यानी कौन से डेट में, तो यहां पर बोला गया 2030 या फिर 2050, तो इसका सही आंसर है 2050। ये 2050 के टाइम पर जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो डेवलप हो रही हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 8 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया इंडस्ट्री इन इंडिया टेक अबाउट। आप देखिए यहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज चलती हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज चलती हैं, तो उसमें ज्यादातर किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कोल का तो इस्तेमाल किया जाता है, यानी कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेट अराउंड 78% ऑफ द कोल, यानी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है, कोल का, ठीक है, यानी 78%। एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है, यानी 58%, लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं करना है, यानी 78%, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी आने जाने का जो संसाधन है उसमें कितना ज्यादा चीज का, यानी कितना किसका इस्तेमाल होता है, कौन से एनर्जी का इस्तेमाल होता है, तो उसका आंसर है अबाउट 56, यानी मैंने डायरेक्टली आंसर दे दिया इसका, अबाउट 56% ऑफ द टोटल ऑयल कंजप्शन, यानी पूरे तरीके से आप ये कह सकते हो इंडिया किस पर डिपेंड है, ऑयल पर, यानी जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है उसका 56% किससे जाता है, ऑयल से, यानी ऑयल का इस्तेमाल होता है, ऑयल में यानी पेट्रोल वगैरह, यानी CNG या आप ये कह सकते हो डीजल इनका, ठीक है। अब तो धीरे धीरे ये कम हो जाएगा क्योंकि अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए हैं, तो आई होप कि ये कम हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 12, बोला गया इंडिया हैज अबाउट। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दे दिया मैंने डायरेक्टली MCQ ना लिखकर। बोला गया है इंडिया के पास 8% जो है कोल रिजर्व है पूरे वर्ल्ड में, एक इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर 8% जो है कोल रिजर्व है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कोल इंडिया के पास कह सकते हो आप, यानी कितना है वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा होता है 8%, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर 8% जो है कोल है, और सबसे ज्यादा कोल रिजर्व कहां पर है इंडिया में, आप कह सकते हो झारखंड में, ठीक है, यानी इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इंडिया इंपोर्ट अबाउट। अब देखिए इंडिया जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, यानी बहुत ज्यादा खरीदता है दूसरे देशों से, यानी गल्फ कंट्रीज से, तो वो क्या है, क्रूड ऑयल है। ये 2017 का डाटा है, 198 मिलियन टन क्रूड ऑयल इन 2017, यानी यहां पर डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन में समझाने की कोशिश की है कि इंडिया जो है डायरेक्टली बाहर से खरीदता है क्या, 198 मिलियन टन क्रूड ऑयल खरीदता है, यानी हमारा जो पैसा है बाहर जाता है, यानी आप सोच सकते हो क्रूड ऑयल कितना महंगा है आज के टाइम में, तो बाहर से खरीद रहे तो पैसा तो जाएगा ही, ठीक है, तो हम लोग और भी ज्यादा दूसरे एनर्जीज पे डिपेंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, बोला गया है नेम द इको फ्रेंडली एनर्जी। कौन सी इको फ्रेंडली एनर्जी है, इको फ्रेंडली का मतलब होता है जो नेचर के अंदर पॉल्यूशन ना करे, तो ऑब्वियसली इसका आंसर यहां पर आपको दिख रहा होगा सोलर एनर्जी है, पेट्रोल को जलाते हैं तो गैस वगैरह निकलती है, एक सोलर एनर्जी है। मेरे हिसाब से यहां तक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस थे लेकिन मैंने नहीं कराए, इसमें इतना ही है केवल, और इस पर ज्यादा ध्यान दें, और इससे प्रीवियस वाला लेक्चर जो है उस पर
जो है फोकस करें, क्योंकि उसमें पूरा चैप्टर का मीनिंग और पूरे चैप्टर का ब्रीफ बताया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज इस लेक्चर्स को पूरा के पूरा वीडियो देखें, ताकि आप 2x पे करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और इसी के साथ मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।